हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर ए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में, जिसकी तरफ से 2023-24 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। टोटल 995 पोस्ट के इसमें वैकेंसी आया हुआ है, सिंगल एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसको जरूर से ज्वाइन करिए, इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पेपर कटिंग आया हुआ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वैकेंसी है। इसमें असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 995 पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। ये ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट का इसमें वैकेंसी आया हुआ है। लेवल 7 की सैलरी मिलेगी अप्रॉक्स 80,000 रुपीज पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। पूरा यहाँ पे कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, साथ ही काफी सारे अलाउंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 साल दिया गया है, बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा ST पांच साल, OBC 3 साल। इसमें PWD कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 100 मार्क का होगा। इसमें टायर 1 टायर 2 का एग्जाम होगा, टायर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। टायर 1 के एग्जाम में आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके पास सेक्शन होंगे सभी के 20 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 20, जनरल स्टडीज के 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20, रीजनिंग के भी 20 और इंग्लिश के भी 20। टोटल 100 मार्क का ये पेपर होगा, एक घंटे का आपको समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क का होगा, ACE 30 मार्क, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स, इसके लिए भी आपको एक घंटे का समय मिलेगा, 50 मार्क का ये पेपर होगा। लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। इसमें मिनिमम कट ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड है, टायर 1 में आपको मिनिमम 35 नंबर लाना होगा तो आपका क्वालिफाई होगा, अदरवाइज आप फेल कर जाओगे। टायर 1 में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अप्रोक्स 10 टाइम लोगों को जो है टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद टायर 2 और टायर 1 के बेस पे जो भी लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके 5 टाइम्स लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं, 25 नवंबर से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 15 दिसंबर 2023 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं सारे कैटेगरी के लिए 450 रुपीज एप्लीकेशन फी है, बाकी जो मेल कैंडिडेट है UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए इनको 100 रुपीज एप्लीकेशन फी एक्स्ट्रा पे करना होगा, मतलब 550 रुपीज एप्लीकेशन फी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो 450 रुपीज एप्लीकेशन फी लगेगी। ST कैंडिडेट को भी 450 रुपीज एप्लीकेशन फी लगेगी। तो ये था इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल जानकारी। अप्लाई करने का लिंक जैसे ही एक्टिव होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।